बाइक सवार अपराधियों ने फिर बनाया महिला को लूट का शिकार। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत जनता कॉलेज मार्ग में हुई घटना। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां बाइक सवार आरोपियों ने एक महिला को फिर लूट का शिकार बना डाला। महिला के हाथ से बैग छीनकर बाइक सवार आरोपी फरार हो चुके हैं। जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तलाश रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला के बैग में लाखों के जेवरात थे, जिसे बाइक सवार बदमाश छीनकर फरार हो गए। आपको बता दें कि राहत चौरा निवासी सुष्मिता शर्मा नामक महिला बाल विकास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर बनी हुई है, जो आज मीटिंग के लिए आई हुई थी। बताया जा रहा है कि लूट की शिकार हुई महिला सुष्मिता शर्मा अपने भांजे आशुतोष त्रिपाठी के साथ बाइक में सवार होकर जनता कॉलेज की ओर जा रही थी। तभी पीछे से आए एक बाइक सवार में 3 की संख्या में बदमाशों ने महिला का बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। महिला के अनुसार बैग में तकरीबन 6,500 रुपये नकद, 2.5 तोले का हार, 2.5 तोले का कंगन, सोने की चैन व अन्य जेवरात रखकर महिला अपने गांव से आई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि वह सारे जेवर के साथ अपने पिता के घर में रुकी हुई थी। सुबह 11:30 पर जनता कॉलेज मार्ग पर उसके साथ लूट की घटना को अंजाम देते हुए आरोपी फरार हो गए। घटना की गंभीरता को लेते हुए पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे से कुछ फुटेज पुलिस को मिल चुके हैं, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। महिला की माने तो आरोपी 3 की संख्या में पल्सर में सवार होकर आए थे। प्रस्तुत है इस घटना के संबंध में एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, ये चौरा गाँव है, थाना चौराहटा के क्षेत्र में। ये अपने महिला हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं ये। आज इनकी मीटिंग थी 12 बजे के आसपास रीवा में, तो अपने भांजे के साथ में मोटरसाइकिल से आई थी उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और ये अपना जनता कॉलेज के पास में पीछे से 3 लड़के जो पल्सर गाड़ी से थे, उन्होंने इनका पर्स जो ये टांगे हुई थी अपने बाएँ कंधे पर, वो खींचने का प्रयास किया पहले। फिर इन्हें जब पर्स पकड़ लिया तो वो पर्स में झटका दिया तो पर्स टूट गया, वो लड़के पर्स छीन के भाग गए। इन्होंने पीछा भी किया था इनके भांजे ने मोटरसाइकिल से, पर कुछ और लोगों ने ये पीछा किया। लड़कों की पहचान अभी की जा रही है। गाड़ी का फुटेज वगैरह कुछ मिला है, जानकारी पुलिस को कुछ मिली है। पूरे शहर में अलर्ट पे है पुलिस, अभी पतासाजी की जा रही है, शीघ्र ही बदमाशों को पता लग जाएगा। में क्या कितना सामान बता रहे हैं कि ये उन्होंने करीब 9 लोगों से 250 रुपये जो सुकन्या योजना का पैसा था वो कलेक्ट किया था, और कुछ 2 लोगों से 1,000 रुपये के आसपास कलेक्ट किया था। इस हिसाब से इनके पास करीब पर बैग में कुछ पैसे ने ATM से 1,000 रुपये निकाला था अभी, तो 5 से 6,000 रुपये टोटल उसमें था। साथ में इनका कहना है कि कुछ जेवरात ये अपने घर से आज यहाँ पिता के घर में आके रुकने वाली थी, तो चिंता थी कि वहाँ जेवरात के साथ कुछ वो ना हो, लापरवाही ना हो जाए बच्चों से, तो जेवरात भी इनने रखे हुए थे। इनके जो जेवरात थे, इनने कुछ जेवरात का डिटेल दिया है और आगे डिटेल देंगे तो उसमें क्लियरिटी आ जाएगी।